हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मुझे जल्दी से दादी बना देना, ताकि मैं भी श्री कृष्ण के आदेश अनुसार अपना कर्तव्य पूरा कर सकूं, अपने पोते को अपनी गोद में बिठाकर उसे शिक्षा और दीक्षा दूं। मैं ये सोच रहा था कि आपने मुझे सारा ज्ञान दिया, पर ये नहीं बताया कि मुक्ति क्या होती है। पुत्र बर्बरिक, मुक्ति मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य होता है, जिसे पाकर मनुष्य जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और परमात्मा में लीन हो जाता है, अर्थात उसे अपने पाप और पुण्य के कर्मों का फल भोगने के लिए फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। प्रभु की आत्मा में लीन होने के लिए मेरी आत्मा न जाने कब से तड़प रही है। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिसे मैं शीघ्र ही मुक्ति पा सकूं। पुत्र बर्बरिक, यदि किसी मनुष्य को प्रभु के हाथों मृत्यु आ जाए तो उसकी आत्मा तुरंत प्रभु में लीन हो जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। अच्छा, ये तो बहुत सरल उपाय है। मैं प्रभु श्री कृष्ण से जाकर युद्ध करूंगा और वो मुझे मार डालेंगे, फिर मैं जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा। प्रभु, और कब तक मेरी परीक्षा लेते रहोगे? मैं आपके दर्शन के लिए युगो युगो तक यूं ही बैठी तपस्या करती रहूंगी। अब आपके दर्शन की प्यास सहन नहीं हो रही है प्रभु, कृपया दर्शन दीजिए। प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। What's hidden, ba? प्रभु, आप आ गए। प्रभु, आप आ गए। मैंने आपको पहचान लिया प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया प्रभु। प्रभु, प्रभु, आपने मुझे दर्शन देके मेरी मनोकामना पूरी कर दी। प्रभु, मैं धन्य हो गई। प्रभु, मैं धन्य हो गई। मेरी तपस्या सफल हो गई। प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया। प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया। उठो वत्स। प्रभु, भगवान शिव का कथन सत्य हो गया। उन्होंने मुझे कहा था कि आप मुझे एक दिन दर्शन अवश्य देंगे। देवी हिडम्बा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। भगवान शिव ने जो दर्शन देने के लिए भविष्यवाणी की थी, वो दिन आज का ही दिन है, तो फिर आज मैं तुम्हें दर्शन कैसे नहीं देता? प्रभु, आपके दर्शन करने के बाद तो मैं आंखें बंद करके कल्पांत तक आपकी तपस्या कर सकती हूँ। नहीं देवी हिडम्बा, अब तुम्हें इस एकांत में तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम संसार में रहकर भी तपस्या कर सकोगी। संसार में रहकर तपस्या? परंतु ये कैसे संभव है प्रभु? यही बताने तो मैं तुम्हें आया हूँ। वीर घटोत्कच, तुम दोनों प्रकट हो जाओ। सुखी भव पुत्र। कामकंटका, तुम भी आशीर्वाद ग्रहण करो। सुखी भव। परंतु ये सुंदरी कौन है? ये प्राग ज्योतिषपुर की युवरागी कामकंटका है, तुम्हारी होने वाली बहू। और इसी के विवाह के लिए हम तुम्हें इंद्रप्रस्थ ले जाने आए हैं। परंतु प्रभु, आप तो अभी तपस्या की बात कर रहे थे, और ये सब तो मुझे घर गृहस्थी की ओर ले जाएगा। इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा था
कि अब तुम्हें संसार में रहकर ही तपस्या करना है। देवी हिडिंबा, सच तो यह है कि विवाह के बाद तुम्हारी बहू घटोत्कच के पुत्र के रूप में एक धर्मात्मा और महान योद्धा को जन्म देने वाली है। सच प्रभु? हाँ, और काम कंटका के पुत्र को धर्मात्मा बनाने का दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। और ये शुभ कार्य तुमसे बेहतर और कौन कर सकता है, क्योंकि तुम इस पुत्र की दादी भी हो और एक महान तपस्विनी भी। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की शिक्षा और दीक्षा ही वो तपस्या है जो तुम्हें इस संसार में रहकर करनी है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी प्रभु। तो फिर चलो इंद्रप्रस्थ, अब तो वहां विवाह की तैयारियां भी पूरी हो गई होंगी। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। सुखी भव, सौभाग्यवती भव, कामकंटका, श्री कृष्ण के आदेश अनुसार तुमने विवाह करके अपना एक कर्तव्य तो निभा दिया, अब दूसरा कर्तव्य भी जल्दी ही निभाना होगा। दूसरा कौन सा कर्तव्य माता श्री? अरे भूल गई, मुझे अपने होने वाले पोते का मुंह दिखाने में विलंब ना करना। मुझे जल्दी से दादी बना देना, ताकि मैं भी श्री कृष्ण के आदेश अनुसार अपना कर्तव्य पूरा कर सकूं, अपने पोते को अपनी गोद में बिठाकर उसे शिक्षा और दीक्षा दूं। विवाह के बाद जब कामकंटका ने भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद अनुसार एक सुंदर बालक को जन्म दिया, तो दादी हिडिंबा ने वासुदेव के आदेश अनुसार बर्बरीक को एक धर्मात्मा बनाने के लिए उसे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर उसमें धार्मिक संस्कार सींचने लगी। पुत्र बर्बरीक, सो तो नहीं गए? नहीं दादी माँ, सोच में पड़ा था। सोच में? क्या सोच रहे थे? मैं ये सोच रहा था कि आपने मुझे सारा ज्ञान दिया, पर ये नहीं बताया कि मुक्ति क्या होती है। पुत्र बर्बरीक, मुक्ति मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य होता है, जिसे पाकर मनुष्य जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और परमात्मा में लीन हो जाता है, अर्थात उसे अपने पाप और पुण्य के कर्मों का फल भोगने के लिए फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। परंतु यह मुक्ति प्राप्त कैसे होती है? मनुष्य यदि कर्मों के फल को त्याग दे, निरासक्त हो जाए, तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। परंतु बर्बरीक, इस तरह की मुक्ति प्राप्त करने के योग्य बनने के लिए मनुष्य को कई कई जन्म लेने पड़ते हैं। ये तो बड़ा लंबा चक्र है। प्रभु की आत्मा में लीन होने के लिए मेरी आत्मा न जाने कब से तड़प रही है। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं शीघ्र ही मुक्ति पा सकूं। पुत्र बर्बरीक, यदि किसी मनुष्य को प्रभु के हाथों मृत्यु आ जाए, तो उसकी आत्मा तुरंत प्रभु में लीन हो जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। अच्छा, ये तो बहुत सरल उपाय है। मैं प्रभु श्री कृष्ण से जाकर युद्ध करूंगा और वो मुझे मार डालेंगे, फिर मैं जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा। बर्बरीक, भगवान श्री कृष्ण किसी को अकारण ही नहीं मारा करते, और फिर वो तुमसे युद्ध क्यों करेंगे?
तुम्हारे पास तो उनकी टक्कर के अस्त्र भी नहीं है, उनके पास तो सुदर्शन चक्र है जिसका तोड़ किसी के भी पास नहीं है। मैं घोर तपस्या करके महान अस्त्रों का ढेर लगा दूंगा और फिर श्री कृष्ण को मुझसे युद्ध करने के लिए विवश कर दूंगा और फिर देखता हूं कि वो मेरा वध कैसे नहीं करते। इसके बाद बर्बरिक तपस्या करने के लिए महिसागर संगम तीर्थ स्थान गया और घोर तपस्या शुरू की। बर्बरिक की लगातार तपस्या से प्रसन्न होकर नवदुर्गा ने अपने नौ रूप उसे दिखाए। इतना बल दिया जितना बल तीनों लोकों में किसी के पास नहीं था। इसके बाद माता दुर्गा ने बर्बरिक को सलाह दी कि वो उसी स्थान पर और तप करे क्योंकि वो सिद्ध स्थान है। तुम्हारी तपस्या से सिद्ध माता यदि प्रसन्न हो गई तो वो भी तुम्हें वरदान देंगी। सिद्ध माता ने बर्बरिक को वासुदेव अस्त्र प्रदान किया और गणपति से संबंधित सारी विद्याओं को और अस्त्रों को प्रदान किया। इस पर भी बर्बरिक को संतुष्टि नहीं हुई तो वो और अधिक तपस्या करके देवी सिद्धांबिका से अपराजिता वैष्णवी महाविद्या प्राप्त करके अजेय बन गया। इन सारी विद्याओं और अस्त्रों से संपन्न होने के बाद एक दिन जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने डेरा डाल रही थी तब बर्बरिक भी युद्ध में भाग लेने के लिए अकेला ही कुरुक्षेत्र की ओर चल दिया। ठहरी विप्रवर, प्रणाम ब्राह्मण देवता। कल्याण हो वत्स, कल्याण हो। हे ब्राह्मण देवता, आप और रणभूमि पर? मैं पांडवों का पुरोहित हूं, किंतु आप बर्बरिक है ना? हाँ, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो हर किसी को जानता हूं, यूं समझ लो मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। तुम एक महान योद्धा हो जो इस युद्ध में भाग लेना चाहते हो, है ना? मैं इस युद्ध में अवश्य भाग लूंगा ब्राह्मण देवता, परंतु इस समय नहीं। अब नहीं तो फिर कब? मैंने निर्बलों की सहायता करने का व्रत लिया है। कौरवों और पांडवों में से जिसकी भी पराजय होगी उसी पक्ष से मैं युद्ध करूंगा। और तुम एक ही पल में इस महायुद्ध को समाप्त कर दोगे, है ना? हाँ, आप तो सचमुच
सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानता हूं, इसीलिए तो युद्ध का आरंभ होने से पहले तुमसे मिलने आया हूं। परंतु तुम तो अकेले हो, तुम्हारी सेना कहां है? मेरी कोई भी सेना नहीं है ब्राह्मण देवता, मैं अकेला ही आया हूं। तुम अकेले हो और इस महायुद्ध को पल भर में समाप्त करने की महत्वाकांक्षा भी रखते हो? ये मेरी महत्वाकांक्षा नहीं ब्राह्मण देवता, आत्मविश्वास है आत्मविश्वास। मुझे अपने बल पर, अपने सामर्थ्य पर, अपनी युद्ध विद्या पर और अपनी तपस्या पर पूर्ण विश्वास है। बड़े आश्चर्य की बात है, तुम युद्ध करना चाहते हो, तुम्हारे पास कोई सेना भी नहीं है और मैं देख रहा हूं तुम्हारे तुनीर में केवल 3 ही बाण हैं। आश्चर्य की कोई आवश्यकता नहीं है ब्राह्मण देवता, इस महायुद्ध को समाप्त करने के लिए तो मुझे एक ही बाण की आवश्यकता है। 3 बाण तो बहुत हुए। केवल एक ही बाण से तुम इस महायुद्ध को समाप्त कर दोगे? अरे भाई, मैंने ऐसा न कभी देखा है न कभी सुना है। कहीं ऐसा तो नहीं बर्बरिक कि आपको कोई अलौकिक शक्ति प्राप्त है? आप ठीक समझ रहे हैं ब्राह्मण देवता, सिद्ध माता से मुझे अपराजिता वैष्णवी महाविद्या प्राप्त है। इस विद्या के कारण मैं अजेय हो गया हूँ, मेरा वध कोई नहीं कर सकता। कोई भी नहीं? आपको विश्वास नहीं हो रहा ब्राह्मण देवता? होगा भी कैसे, आपने मेरा कमाल जो नहीं देखा है। ठीक है, मैं अपनी विद्या का प्रदर्शन आपके सामने करता हूँ, फिर आपका संदेह विश्वास में बदल जाएगा। अरे भाई बर्बरिक, तुम्हारा ये चमत्कार तो सचमुच देखने योग्य है। दिखाओ, दिखाओ ना, जल्दी दिखाओ। अवश्य। चलिए। हाँ चलिए। ये पेड़ देख रहे हैं आप? हाँ देख रहा हूं। कितने पत्ते हैं इस पेड़ पर? अनगिनत। अनगिनत, जैसे कुरुक्षेत्र में इकट्ठा होने वाले वीरों और महावीरों को गिना नहीं जा सकता, उसी तरह ना? उसी तरह। मैं अपने एक ही बाण के प्रहार से इस पेड़ के सारे पत्तों को निशाना बनाता हूं। एक ही बाण से? Thank you.
हे ब्राह्मण देवता, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि एक ही पल में एक ही बाण से जिस प्रकार मैंने पेड़ के विभिन्न पत्तों को अपना निशाना बनाया है, उसी तरह युद्ध में मैं एक ही बाण से विद्रोही सेना के सारे योद्धाओं और सेनापतियों को मारकर ढेर कर सकता हूं और पलक झपकते ही युद्ध समाप्त कर सकता हूं। अब मुझे विश्वास हो गया है, पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम एक ही पल में इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो। परंतु विप्रवर, आप मेरी विद्या का प्रदर्शन देखकर चिंता में क्यों पड़ गए? अरे, तुम्हारी यह महाविनाशक विद्या ही मेरी चिंता का कारण है। चिंता का कारण? हाँ, आपकी चिंता का कारण? यदि मैं किसी निर्बल का साथ दूं तो इसमें चिंता कैसी? निर्बल का साथ देना ही तो धर्म है। प्रश्न निर्बल और बलवान का नहीं, प्रश्न है कि कौन सा पक्ष धर्म पर है और कौन सा अधर्म पर। हे ब्राह्मण देवता, आपकी ये गूढ़ और गहन बातें मेरे मस्तिष्क में नहीं आती। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि मुझे निर्बल का साथ देना चाहिए, क्योंकि मेरी दादी हिडिम्बा ने बचपन से मुझे यही शिक्षा दी है। चाहे वो अत्याचारी हो। हाँ। चाहे वो अन्यायी हो। हाँ। और चाहे वो अधर्मी हो। हाँ। परंतु ये तो उचित नहीं है। धर्म अधर्म, उचित अनुचित, ये आप जानिए, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, ये आपका धर्म है। मेरा धर्म तो अपनी दादी की आज्ञा अनुसार अपने धर्म का पालन करना है, जिसकी मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ और अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर मैं तुम्हें ऐसा करने की आज्ञा नहीं दे सकता। जाइए जाइए ब्राह्मण देवता, आपके पांचों पांडव और उनकी सेना भी मुझे मेरी इच्छा पूरी करने से नहीं रोक सकते। फिर आप मुझे क्या रोकेंगे? आप तो एक निहत्ते ब्राह्मण हैं। मैं तुम्हें अवश्य रोक सकता हूँ। तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। आप कोई भी हो, परंतु मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। छोड़ दो यह हठधर्मी, मैं तुम्हें अधर्म के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो जो बर्बरिक का रास्ता रोक रहे हो? जान प्यारी नहीं है क्या? भूल गए मेरे बाण की महाविनाशक शक्ति को? तुम मुझे क्रोध दिला रहे हो। शक्ति मैं भी दिखा सकता हूँ। अच्छा, तो एक निर्बल ब्राह्मण मुझे अपनी शक्ति से डरा रहा है। दिखाओ अपनी शक्ति, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे रोक सकते हो। रुक जाओ बर्बरिक। हे ब्राह्मण देवता, आपको कौन सी ऐसी शक्ति पर इतना गुमान है? हाँ, कौन सी शक्ति पर? कहीं आप उन पांचों पांडवों और उनकी विशाल सेना पर तो नहीं इतरा रहे हैं जो कौरवों को पराजित करने वाले हैं? ठीक है, मैं अभी इसी समय शक्तिशाली पांडव और उनकी समस्त सेना को पेड़ के विभिन्न पत्तों की तरह अपने एक ही बाण से सदा के लिए धरती पर सुला देता हूं। बर्बरिक, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा ब्राह्मण देवता, अब आप मुझे नहीं रोक सकते। मेरे तुनीर से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। मैं पांचों पांडवों को अपने तीर से मारकर लाखों योद्धाओं के प्राण बचाने जा रहा हूं। मैं निर्बल कौरवों को विजयी बनाने जा रहा हूं। नहीं, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूं। Thank you.
परवरीक, तुमने निर्बल परंतु अधर्मियों का साथ देने की प्रतिज्ञा पूरी करने के अपने पागलपन से मुझे विवश कर दिया कि मैं अपने हाथों तुम्हारा वध कर दूं। प्रभु, आपने अच्छा ही किया जो मेरा वध अपने हाथों से कर दिया। यही तो मेरी इच्छा थी जिसकी पूर्ति के लिए मैं यहां आया था। हां प्रभु, मैंने तो आपको ब्राह्मण के वेश में पहले ही पहचान लिया था। क्षमा करें प्रभु, मैंने ही जानबूझकर आपको क्रोध दिलाकर विवश कर दिया था ताकि आप मेरा वध कर दें। इसीलिए मैंने अपनी अपराजिता वैष्णवी विद्या का प्रदर्शन किया था। आपके हाथों मेरे वध को संभव बनाने के लिए ही तो मैंने बड़े परिश्रम से यह विद्या प्राप्त की थी प्रभु। जानते हैं प्रभु, मेरी वो आकांक्षा जो बचपन से ही मेरे मन में फल फूल रही थी। जानता हूं, बचपन में तुम्हारी दादी माँ हिडिंबा ने तुम्हें बताया था कि मोक्ष का सबसे सीधा और सहज रास्ता यही है कि तुम मेरे हाथों अपने प्राण त्याग दो। धन्य है प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। ये मेरी मूर्खता थी जो मैं आपको अंधेरे में रखकर आपके हाथों मोक्ष प्राप्त करना चाहता था। बरबरीक, तुमने बड़ी तपस्या से जो अस्त्र प्राप्त किए थे मुझसे युद्ध करने के लिए ताकि मैं तुम्हारा वध कर सकूं, उसी तपस्या और मुक्ति के लिए तुम्हारी लगन ने तुम्हें मोक्ष के योग्य बना दिया। विधि ने तुम्हारे मोक्ष का यही समय तय किया था, इसलिए तुम मुझसे मिले और मैंने तुम्हारा वध कर दिया। तो फिर आपके हाथों प्राण त्याग कर मुझे मुक्ति मिल गई ना प्रभु। प्रभु, आपने मेरी सबसे बड़ी इच्छा तो पूरी कर दी, परंतु परमधाम को प्रस्थान करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी करके मुझे अनुग्रहित करें। कहो वत्स। प्रभु, मैं धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध में धर्म को अधर्म पर विजय प्राप्त करते हुए देखना चाहता हूं। धर्म के मार्ग पर आप पांडवों का सारथ्य कैसे करते हैं? असीम शक्तिशाली कौरवों की विशाल सेना को पराजित करने का जो चमत्कार आप दिखाने वाले हैं, मैं उस चमत्कार को देखना चाहता हूं प्रभु। मैं आपकी लीला देखना चाहता हूं प्रभु, मुझे अनुग्रहित कीजिए। वत्स बरबरीक, युद्ध के आरंभ से समाप्ति तक तुम्हारा यह कटा हुआ सर जीवित रहेगा और तुम संपूर्ण युद्ध को देख सकोगे। तथास्तु। भगवान श्री कृष्ण के वरदान के कारण बरबरीक कौरव पांडवों का महायुद्ध देखने की अपनी आकांक्षा पूरी कर सका।